नमस्कार दोस्तों, जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएल ने तो हद कर दी। मैनेजमेंट इतना रद्दी हो चुका है यूपी पीसीएल का कि सोचिए, TG2 का एग्ज़ाम अभी अब तक नहीं कराया गया। फॉर्म कब का अप्लाई किया गया, यही अभी 2012 से 18 तक आप देखेंगे कि फॉर्म आते थे महीने, दो महीने, चार महीने के अंदर एग्ज़ाम हो के सिलेक्शन हो जाते थे, फाइनली ज्वाइनिंग भले लेट आए। अभी क्या है कि एग्ज़ाम का कोई अता पता ही नहीं है, इतना रद्दी मैनेजमेंट हो चुका है। अभी जैसे आपको कुछ चीज़ें हम दिखाना चाहेंगे यूपी पीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। सबसे पहले हम कुछ ऑफिस ऑर्डर देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या ऑर्डर आ रहे हैं ऑफिस में। ऑफिस ऑर्डर में हम पूरा सर्कुलर एक साथ देखेंगे, सॉरी सर्कुलर ना देख करके। फ्रेंड्स, ऑफिस ऑर्डर में हम ऑफिस का ही ऑर्डर देखेंगे, सर्कुलर नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे ट्रांसफ़र टाइम स्केल, डीए, सीनियरिटी लिस्ट, मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट रूल, पर्सनल, रिटायरमेंट, अदर, हम आल पे चलेंगे और दिखाते हैं यूपी पीसीएल में कुछ प्रमोशंस की। तो अभी आप लेटेस्ट में देखेंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हम थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, रिटायरमेंट नोटिस टू जेई, यानी कि जेई के पद पर जो भी कार्यरत हैं वर्तमान में, उनके रिटायरमेंट की नोटिस यहाँ पे जारी कर दी गई है। अब देखते हैं कि कितने लोग रिटायरमेंट हुए, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये कार्यालय ज्ञापन 15/6/2023 को जारी किया गया है। इसमें हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये अवर अभियंता हैं जिनको अभी रिटायरमेंट की डेट यहाँ पे जारी कर दी गई है, यानी जन्मतिथि ये है, सातवें मंथ में ये लोग रिटायर हो रहे हैं। आप इस यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो सब सातवें मंथ में रिटायर होने वाले हैं और टोटल कितने रिटायरमेंट होंगे इस पूरे ईयर का यहाँ पे आ गया है। यदि इतने लोग रिटायर हो रहे हैं तो इतने की रिक्रूटमेंट भी आनी चाहिए। हमने पिछली बार भी देखा कि TG2 से JEE में काफ़ी लोग प्रमोट हुए। TG2 के हजारों पद खाली हैं फिर भी वैकेंसी नहीं आ रही है, JEE के हजारों पद खाली हैं फिर भी वैकेंसी नहीं आ रही है। सरकार की क्या मंशा है, मैनेजमेंट की क्या मंशा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रमोशन भी बहुत ही अजीब तरीके से हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब देखेंगे कि टोटल 37 JEE रिटायर हो रहे हैं पाँचवें, छठवें, सातवें महीने में, यानी अगर इतने लोग रिटायर हो रहे हैं 23-24 मान के चलिए, तो इतने लोगों की पहले आप वैकेंसी जारी करिए, रिक्रूटमेंट करिए, उनके रिटायरमेंट होने तक तो इनको भी रेडी प्रिपेयर होने में समय लगेगा ना। जो प्रेजेंट में वैकेंट पोस्ट है उसको प्लस जो रिटायरमेंट फ्यूचर में होने वाले उसको, दोनों को काउंट करके ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद अपना 50% रिक्रूटमेंट निकाल दीजिए, 50% अपना TG2 से प्रमोट करके उसको फिलअप कर लीजिए, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन नहीं, पता नहीं मैनेजमेंट क्या सोच रहा है कि वैकेंसी निकाल नहीं रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे ये रिटायरमेंट की लिस्ट आ गई है 23-24 की, जो सब रिटायर होने वाले हैं। अभी हम दिखाते हैं कि JEE से AE में कितने प्रमोट हुए हैं और AE से एक्सियन में, AE से एक्सियन में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग प्रमोट हुए, उस तुलना में JEE से AE को प्रमोशन ही नहीं दिया जा रहा है। 2012 बैच की JEE की पूरी टीम बची हुई है जिसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। मैनेजमेंट को जैसे जलन हो गई है कि JEE को हम प्रमोट नहीं करेंगे। और आप देखेंगे अगर पूर्वांचल को छोड़ दिया जाए तो जितने भी डिस्काम और ट्रांसको हैं, एक JEE दो या दो से अधिक पावर हाउस को चला रहा है, जबकि रूल ये है कि एक पावर हाउस पे मैक्सिमम एक ही JEE को होना चाहिए और कम से कम चार TG2 जो कि सरकारी होना चाहिए। आप किसी पावर हाउस पे चले जाइए, कहीं पे एक TG2 मिलेगा, कहीं पे दो मिलेंगे। ये हालत है कि सब आउटसोर्सिंग से चल रहे हैं फिर भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा रहे हैं। किसकी डर की वजह से मैनेजमेंट सिग्नेचर करने से डर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये UPPCL किस रास्ते पर जा रहा है, सब ऊपर वाला जाने। चलिए आगे देखते हैं, जैसे कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको अपडेट्स देंगे। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद।